तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पौधे के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस पौधे के बारे में आज तक मैंने जानकारी कहीं से नहीं मिला है मुझे, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। क्योंकि यह जानकारी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके बारे में जो विस्तारपूर्वक जानकारी दूंगा वैसा जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जानकारी बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही खास है। तो आज आप वीडियो कंप्लीट देख लीजिए और इस पौधे को पहचान कर लीजिए और भविष्य में इसका उपयोग करके फायदे लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं इस बहुत ही दुनिया की सबसे एक ताकतवर औषधि जिसकी पहचान आपको कराते हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलती रहे और हमेशा आप इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखते रहें। दोस्तों, इस पौधे को आप ध्यानपूर्वक देखिए और पहचानिए। अगर आप पहले इसको देख चुके हैं, जानते हैं, तो आपको पहचानने में आसानी होगी। इसके गुणधर्म को अपनाने में भी बहुत ही सरलता से अपना पाओगे क्योंकि आप इसके बारे में जानते होंगे। दोस्तों, इस पौधे का इंग्लिश नाम स्वीट ब्रूम वीड है और स्वीट ब्रूम वाट है। इसे हिंदी में मीठी पत्ती, घड़ा तुलसी या घोड़ा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हर एक पौधे का नाम अपने अपने क्षेत्र में लोग जो जानते हैं वे अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इसका भिन्न भिन्न नाम हो सकता है अलग अलग क्षेत्र में। तो आप अपने क्षेत्र में अगर जानते हो तो किस नाम से जानते हो हमें बता सकते हो। आज मैं आप लोगों को इस घोड़ा तुलसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो आप बने रहें वीडियो में। दोस्तों, इस घोड़ा तुलसी की सबसे पहचान कर लीजिए पहले, जिसमें मटमैले तने होते हैं और जो एक मीटर तक बढ़ते हैं और इसकी पत्ती की धुरी में छोटे छोटे सफ़ेद बालों की तरह फूल लगते हैं। दोस्तों, यह एक मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो आप इसे देख करके आप अच्छे तरह से पहचान लीजिए। अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यह एक छोटा पौधा है, तब भी इसमें फूल आ गए हैं और इसके जो फूल आप देख पा रहे हो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद बालों की तरह इसमें रेशेदार फूल आते हैं और इसमें छोटे छोटे दाने जो नज़र आ रहे हैं यह फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह है, तो आप इसे पहचान लीजिए। बहुत सारी खास औषधीय गुण होते हैं दोस्तों। इस घोड़ा तुलसी का वैज्ञानिक नाम है स्कोपरिया डल्सिस, तो आप इसे स्कोपरिया डल्सिस के नाम से भी गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप घोड़ा तुलसी सर्च करके देखोगे तो आपको इसकी जानकारी एक दो मिल जाएगी, जहाँ पे आपको संक्षेप में बताया गया है, इसकी पहचान कराया गया है, लेकिन इसका जो गुणधर्म है, उपयोग है, औषधि प्रयोग है, उसका विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आप लोगों को आज इसके बहुत सारे उपयोग करने का जो तरीका है और कौन कौन से बीमारी में किस तरह से उपयोग किया जाता है उसको मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताने वाला हूँ, तो आप देखते रहिए। दोस्तों, इस घोड़ा तुलसी का उपयोग इन सभी रोगों में किया जाता है जो इस प्रकार हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह रामबाण औषधि है, तो मधुमेह के रोग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेचिस में भी इसका प्रयोग होता है। कान के दर्द को ख़त्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बुखार में भी इसका उपयोग होता है। सुजाग में भी इसका उपयोग होता है। सिर दर्द में भी इसका उपयोग होता है। पीलिया के रोग को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। पेट की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दांत दर्द को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और जो मांसा होता है हमारे शरीर में, जिसे मस्सा बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी इसका उपचार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सांप के काटने और सांप के जो जहर होता है उसे निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप बने रहे वीडियो में, मैं आप लोगों को इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है उसको भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, औषधि उपयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि यह पौधा आपको हरे भरे जो खेत खलिहान के मेड़ होते हैं, जहाँ पे पथरीली जगह होता है, जहाँ पे रेतीली जगह ना होकर के छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, वहाँ पे यह अक्सर आपको मिल जाया करता है। और जंगलों में मिलता है इस तरह के ज़मीन में, जहाँ पे रेतीला ज़मीन ना हो, जहाँ पे पथरीला ज़मीन हो, तो वहाँ पे इसको आप देख सकते हो। और भारत में और अफ्रीका में और अमेरिका में, यह तीनों देशों में अक्सर पाया जाता है। तो आप इसे जहाँ भी जाते हो पहचान के रखे रहोगे तो आप आसानी से देख करके पहचान सकते हो, और कभी भी मिले तो आप इसे उखाड़ करके तोड़ करके अपने पास रख सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर महाऔषधि है। आप इसका प्रयोग रखे रहोगे तो कभी भी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसका औषधि प्रयोग किस तरह से किया जाता है।
दोस्तों इसके पत्ते को तोड़ करके चबाने से यह बहुत ही मीठा लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कोई भी इसे जैसे पहले बार इसका पत्ता तोड़ करके खाएगा तो वह उसको थूकेगा नहीं, क्योंकि यह बहुत ही मीठा होता है, ज़बरदस्त मीठा होता है। इसको खाने का मन करता है अगर इसके पत्ते को खा लोगे तो इसके पत्ते को तोड़ करके खा के देखना, आपको मीठा लगेगा। इसीलिए इसको शायद मीठी पत्ती भी बोलते हैं और घोड़ा तुलसी भी बोलते हैं। तो आप इसके पत्ते को तोड़ करके खा सकते हो, और अगर आप इसके पत्ते को तोड़ करके खाते हो और आपका दांत का जो दर्द रहता है और पेचिस की जो समस्या रहती है वह ठीक हो जाती है सिर्फ पत्ते को तोड़ कर खाते रहने से। तो दोस्तों इस तरह से आप पत्तियों को तोड़ करके खा करके स्वाद भी ले सकते हो और अपनी पेचिस को भी ठीक कर सकते हो और दांत की जो समस्या है, दर्द रहती है दांत में, उसको भी ठीक कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं मधुमेह के रोगियों को इसे किस तरह से दिया जाता है। मधुमेह के रोगियों को इसका पाउडर करके एक एक दो दो चम्मच की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट दिया जाए तो उनका शुगर लेवल बिल्कुल सामान्य रहता है और हमेशा वह स्वस्थ जीवन जी सकता है। दोस्तों इस घोड़ा तुलसी का प्रयोग बुखार में आप काढ़ा बना करके इसमें काली मिर्च और लौंग डाल करके उसका काढ़ा बना करके या फिर सौंठ मिला करके उसको काढ़ा बना करके इसकी जो पत्तियां का पाउडर रहेगा या फिर पत्तियों की जो सूखी हुई रहेगी आप उसको तोड़ करके काढ़ा बना करके उसका प्रयोग कर सकते हो तो बुखार में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अब दोस्तों इसका अगला प्रयोग है पीलिया के रोगियों के लिए। पीलिया के रोगियों के लिए इस पौधे का कच्चा रस निकाल करके, पूरे पंचांग का कच्चा रस निकाल करके उस रस को 2-3 चम्मच की मात्रा में यदि आप सुबह शाम पिलाते हो किसी भी पीलिया रोगी को तो 2 से 3 दिनों में उसका पीलिया रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों जो शरीर में मांसा की समस्या रहती है जिसे मस्सा बोला जाता है, उस मस्से को यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसके पत्ते को उस मस्से में रगड़िए, 2-3 बार रगड़िए और रगड़ने के बाद इसके पत्ते को पीस करके वहाँ पे लेप कर दीजिए और किसी टेप से या फिर किसी कपड़े से बांध दीजिए। इस तरह से करने पर 24 घंटे के अंदर आपका मस्सा जो है ख़त्म हो जाएगा, सूख करके झड़ जाएगा। दोस्तों पेट की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसके पत्तियों को हर दिन चबा चबा के खाइए, आपके पेट में ना कब्ज रहेगा, ना गैस बनेगा और ना ही किसी दूसरे प्रकार की समस्या होगी। अगर आप चाहें तो इसके पत्तियों का रस भी पी सकते हो, यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों अब बात करते हैं सांप के काटने या फिर सांप के जहर निकालने में आप इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो तुरंत अगर आप इस पौधे को रखे रहोगे तो इसका चूर्ण रहेगा, तो चूर्ण को या फिर कच्चा पौधा आपको मिल जाता है तो कच्चे पौधे के रस को उसमें आप सेंधा नमक मिला करके उस मरीज को पिला दीजिए और सेंधा नमक और प्याज काट करके एक साथ मिश्रण कर लीजिए और उस लेप को जहां सांप काटा रहेगा वहां पे लेप कर दीजिए। यह आपको धीरे धीरे उसका जहर अपने अंदर खींच लेगा और मरीज को राहत दिला देगा। आप ऐसा करते वक्त आप इसे हॉस्पिटल भी ले जा सकते हो, क्योंकि कोई कोई लोग इसी तरह की औषधियों में भरोसा करके जान गंवा देते हैं, क्योंकि हर औषधि हर इंसान के लिए नहीं होता है। इसलिए आप इस औषधि का प्रयोग करते हुए आप हॉस्पिटल जा सकते हो, क्या पता हॉस्पिटल जाते जाते उसकी जान बच जाए। और आप इस प्रयोग को भी कीजिए और हॉस्पिटल भी जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप इस औषधि के भरोसे ही बैठे रहिए, बस इतना जानकारी बता रहा हूँ कि इस औषधि का प्रयोग सांप का जहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसकी पत्तियों का लुगदी पेस्ट बना लीजिए या फिर चूर्ण है तो चूर्ण के साथ बना लीजिए, उसमें सेंधा नमक और प्याज का टुकड़ा काट करके मिला दीजिए। अब इस लुगदी को वहाँ पे सांप जहाँ पे काटा है वहाँ पे रख दीजिए, इससे उस जगह पे जो जहर रहता है उसको यह अपने अंदर खींच लेता है। और इसकी पत्तियों का रस में सेंधा नमक मिला करके उस मरीज को पिला दीजिए कम से कम 10-20 ml की मात्रा में। तो आप इस तरह से प्रयोग करोगे तो उस मरीज को आसानी से बचा पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से सांप के काटने और जहर निकालने में इसका प्रयोग होता है। आज मैंने आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी बता दिया जो मेरे पास थी। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी है तो हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख करके। दोस्तों आज यह घोड़ा तुलसी का उपयोग आप लोगों को कैसा लगा, इसकी पहचान आप लोगों को शायद हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।